दोस्तों, अगर आपने भी BI का नया सिम कार्ड लिया या किसी भी सिम कार्ड को आपने BI में पोर्ट करवाया, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि BI का जो ऑफिशियली टेली वेरिफिकेशन का नंबर वो कौन सा है और साथ ही आप BI के नए सिम कार्ड को कैसे एक्टिवेट करेंगे। इसका पूरा लाइव प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अभी तक हमारे चैनल पर आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, BI के नए सिम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि नए सिम कार्ड में नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है। मान के चलिए नेटवर्क आ चुका है तो आपको टेली वेरिफिकेशन करना काफ़ी जरूरी है, या फिर आपके BI के नए सिम कार्ड में नेटवर्क नहीं आ पा रहा तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको वीडियो के बाद में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करें कि BI के नए सिम कार्ड में नेटवर्क आने के बाद आपको सबसे पहले टेली वेरिफिकेशन करना काफ़ी जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर BI का जो ऑफिशियली टेली वेरिफिकेशन का नंबर है, यहाँ पर आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, 59059 पर आपको कॉल करना है। जैसे आप इस पर कॉल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी जो भी लैंग्वेज है लैंग्वेज सेलेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों, जो भी आपने आइडेंटिटी प्रूफ दिया था नए सिम कार्ड लेते समय, उसकी जानकारी उनकी तरफ से आपसे पूछ सकते हैं। जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड, जो भी आपने दिया था उसकी सभी जानकारी हमें देनी काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, टेली वेरिफिकेशन होने के बाद 4 घंटे के अंदर हमें BI का नया सिम कार्ड आसानी से एक्टिवेट हो जाता है। मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 59059 पर आप कॉल कर रहे हैं और कॉल नहीं लग पा रहा है, तो आप SMS सेंड करके भी BI के नए सिम कार्ड को एक्टिवेट करवा सकते हैं। SMS करने का काफ़ी सिंपल तरीका, जो भी आपका मोबाइल नंबर है या फ़ोन है उसमें आपको SMS जो एप्लीकेशन वो ओपन करना, ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है SIM X, ये आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है। और जो भी आपका सिम कार्ड का नंबर है, 19 या 20 डिजिट का सिम कार्ड नंबर आपको देखने को मिलेगा, जो आपको सिम के पीछे आसानी से देखने को मिल जाता है, इस SMS को सेंड करना है आपको 55199 पर। जैसे आप सेंड करेंगे तो BI की तरफ से आपको वापस एक SMS प्राप्त होगा, जिसमें आपको अपने जो भी सिम कार्ड का नंबर था उसके लाइट 6 डिजिट वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों, इस SMS को आपको वापस रिटर्न करना है, मतलब 2 घंटे का टाइम दिया जाता है उनकी तरफ से, 2 घंटे के भीतर आपको वहाँ पर दोबारा से रिप्लाई करना होता है। जो भी आपका गायब जो 6 डिजिट का कोड गायब है वो आपको दोबारा से देना, देने के बाद 55199 पर इसे वापस सेंड कर देना है। ऐसा करने के बाद दोस्तों, आपका जो BI का नया सिम कार्ड है मात्र 20 मिनट के अंदर आसानी से एक्टिवेट भी हो जाता है। मान के चलिए आपके दोस्तों BI के नए सिम कार्ड में नेटवर्क नहीं आ पा रहा है, टेली वेरिफिकेशन किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, तो इनका जो ऑफिशियली कस्टमर केयर का नंबर है, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, 198 पर भी कॉल कर सकते हैं या 199 पर भी कॉल कर सकते हैं। दोनों ऑफिशियली BI के कस्टमर केयर के नंबर हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आसानी से सॉल्व करवा सकते हैं। फिर भी दोस्तों, अगर आपको परेशानी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।